डियर चिल्ड्रेन, मैं दुलार चंदा स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, हम लोग क्लास फाइव का मैथ बनाना शुरू किए थे और इसमें एक्सरसाइज वन में मैं आप लोगों को क्वेश्चन वन से टेन तक एक वीडियो दे चुका हूँ और इसके बीच में और कमेंट के अनुसार मैं वीडियो बनाया। लेकिन अब मैं उस सीरीज़ को जो शुरू से मैंने शुरू किया था उसको आगे मैं बढ़ाना चाहूँगा ताकि ये जल्दी ख़त्म हो जाए और हम लोग जो है उसके आगे क्वेश्चन नंबर टेन के आगे इलेवन ट्वेल्व बनाना शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे कि यह क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है राइट द नंबर विच इज, कि इस नंबर को लिखो जिसमें कि वन मोर देन इतना जो नंबर दिया हुआ है इसमें से एक ज़्यादा लिखना है। तो अगर इसमें एक हम प्लस कर देते हैं तो सिंपली क्या होगा, इसमें सिर्फ ये सेवन जो है वो एट हो जाएगा। तो हम लोग इसको डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 35008। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इसमें आप वन एड करके देख सकते हैं। और इसमें क्या बोल रहा है, वन लेस देन ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें से एक माइनस कर देना है, एक कम कर देना है। तो हम लोग इसको करके देख लेते हैं क्योंकि माइनस करने में बच्चों को इस तरह का प्रॉब्लम होता है जब जीरो वाला माइनस आता है। तो आइए हम लोग इसको यहाँ करके देखते हैं। एट पे वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव जीरो है, थ्री फोर फाइव, अब वन यहाँ दिए, माइनस इसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पर माइनस करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर कैरी लेना है। तो यहाँ से कैरी चलेगा, यहाँ टेन में वन नाइन हो गया, फिर यहाँ नाइन और ये नाइन, फिर नाइन, फिर यहाँ पे नाइन हुआ और ये सेवन हो गया। तो यहाँ पे सेवन ये नंबर आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेवन पे वन टू थ्री फोर फाइव, ये हो गया फाइव नाइन्स, ये नंबर आ गया। वन माइनस किए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग ट्वेल्व पे चलते हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ना है ध्यान से कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। लुक एट द अमाउंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन ईच बॉटल, ये बोतल जो है देखने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है, तो यहाँ मैंने पिक्चर नहीं बनाया, आपको मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ बुक में। तो इसमें देखने के लिए बोल रहा है ऑफ कैपेसिटी टू लीटर, और बोतल की कैपेसिटी जो है वो दो लीटर उसमें सॉफ्ट ड्रिंक लेगा। गिवन हियर, जो कि वहाँ दिया हुआ है, हाउ मच मोर सॉफ्ट ड्रिंक शुड बी एडेड, तो उसमें कुछ सॉफ्ट ड्रिंक पहले से है तो उसमें कितना सॉफ्ट ड्रिंक और चाहिए, शुड बी एडेड टू कम्प्लीटली फिल ईच ऑफ द बोतल, तो बोतल को भरने के लिए और कितना सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए, तो उसमें जो है और हमें और कितना चाहिए टू लीटर पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये बोतल दिया हुआ है और इसमें 750 ml मिलीलीटर इतना भरा हुआ है, ये इतना भरा हुआ है और ये इतना भरा हुआ है, 1175 ml ये इतना भरा हुआ है। तो 2 ml मतलब 2 लीटर 2000 ml भरने के लिए कितना चाहिए, 2000 ml इक्वल टू 2 लीटर उतना ही होता है, तो 2 लीटर भरने के लिए कितना चाहिए। तो आइए हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए कुछ करना नहीं है, इसमें जो फर्स्ट बोतल है, फर्स्ट बोतल ऑलरेडी उसमें कितना है, 750 ml इसमें पहले से मौजूद है, और सेकेंड बोतल में 1175 ml। तो फर्स्ट बोतल में कितना चाहिए, तो उसके लिए शुड बी फर्स्ट बोतल, फर्स्ट बोतल में कितना चाहिए, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2000 से माइनस कर देना पड़ेगा, 2000 - 750। यहाँ पे आप समझिए कि 2000 मैंने क्यों लिखा है, इसको इस तरह से समझ लीजिए कि 2 लीटर इक्वल टू 2000 ml, ये हो गया। इसकी वजह से मैंने 2000 लिखा है, इसको माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो और यहाँ से यहाँ, तो 10 हो गया, ये 5 और यहाँ पे 9 हो गया, तो 9 में 7 2 और यहाँ पे बच गया 1, तो इतना ml चाहिए फर्स्ट बोतल को, हम इतना ml भरेंगे तब ये जाके फुल हो जाएगा। तो ये कैंसर हो गया फर्स्ट बोतल के लिए, और दूसरे बोतल के लिए शुड बी सेकेंड बोतल, सेकेंड बोतल में कितना चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग के पास कितना है, 1000
25 इसको माइनस करना होगा, तो इसको हम लोग पहले 2000 लिखते हैं, 2000 माइनस 1125, इसको माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 10 हो गया तो यहाँ 5, तो ये 5 मिल गया, और यहाँ 9 हो गया 7 2, और यहाँ पे भी 9 हो गया तो यहाँ 1 8, और यहाँ 1 हो गया तो 1 में 1 चला गया, तो कुछ भी नहीं बचा। मतलब इतना ml चाहिए सेकेंड बोतल को 2 लीटर में पूरा फुल करने के लिए। ये आंसर ये हो जाएगा, ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में हैं। अब इसको क्वेश्चन को हम लोग ठीक से पढ़ लेंगे। गिवन हियर इज़ द प्राइस लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स सोन, यहाँ पे एक प्राइस लिस्ट दिया हुआ है वेजिटेबल का, और एट ए मदर डेयरी वेजिटेबल्स बूथ, ये वेजिटेबल बूथ का जहाँ पे सब्जी मंडी है उसका नाम है मदर डेयरी, तो वहाँ का एक वेजिटेबल प्राइस लिस्ट दिया गया है, जिसे यहाँ पोटेटो लिखा हुआ है, PO मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इस तरह का यहाँ पे बुक में पिक्चर दिया हुआ है, मैं पिक्चर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। पोटेटो का प्राइस दिया हुआ है 25 रुपीज़, और ऑनियन का प्राइस दिया हुआ है 30 रुपीज़, और पीज, ये पीज है मटर, इसका प्राइस दिया हुआ है 70 रुपीज़, और ये कैरोट, इसका प्राइस दिया हुआ है 40 रुपीज़, और ये कॉलीफ्लावर दिया हुआ है 32 रुपीज़ का, ये पर केजी के हिसाब से दिया हुआ है, एक केजी का कीमत इतना है। अब यहाँ पे पोटैटो दिया हुआ है। मिसेस खन्ना अबाउट द फॉलोइंग वेजिटेबल्स, मिसेस खन्ना एक लेडीज़ है जो इस ये इतने अमाउंट में ये सब्जियाँ खरीदती है, और वो 500 का एक नोट देती है, फिर उसको जो है उसको कितना रिटर्न होगा इसमें पूछा जा रहा है कि दुकानदार उसको कितना रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको, ये देखिए यहाँ पे प्राइस लिस्ट दिया हुआ है, पोटैटो 25, ऑनियन 30, पीज 70, कैरोट 40 और कॉलीफ्लावर 32, ये है, और ये जो है पोटैटो इस अमाउंट में है, ये पीज कैरोट, और यहाँ पे CGF 500 रुपी नोट टू द मैन एट द काउंटर, काउंटर में जो इतना वो 500 रुपये का नोट देती है, हाउ मच बैलेंस डिड सी गेट, और उसे कितना पैसा मिलना चाहिए ये बोल रहा है। तो हम लोग इसको बनाते हैं यहाँ पे, इसमें जगह कम है लगता है कि नहीं यहाँ बनेगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको प्लट लेंगे और पहले बनाना शुरू करते हैं। पोटैटो का प्राइस निकालते हैं, पोटैटो का प्राइस, पोटैटो का एक केजी इतना हो गया, तो इसका क्या निकल जाएगा, पोटैटो का प्राइस हो जाएगा 2 1/2, इसका हम लोग ये करते हैं, इसका हो जाएगा 2 केजी हो गया, 2 केजी, और यहाँ पे हाफ मतलब 2.5 हो गया, तो ये इतना केजी, इतना केजी और 25 रुपीज़ का प्राइस है, इसका मतलब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो फिर इसका प्राइस आ जाएगा कि इसका कीमत क्या होना चाहिए। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये आ जाएगा 62.5, ये इतने रुपीज़ आ जाएगा। उसके बाद ऑनियन को, ये प्याज का तो सिंपल सीधा सीधी दिया हुआ है, इसको 3 केजी है, 3 केजी है और 30 रुपीज़ प्राइस है, तो 3×3 = 9, इसका मतलब है कि ₹90 इतना आ गया। उसके बाद पीज, ये हो गया 1.5, तो इसका मतलब है कि 1.5, अब इसको हम लोग 1.5 हो गया, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पीज 70, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसको हम लोग 70 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप रफ करके देख लीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा, इसका प्राइस आता है ₹105, तो इसको हम लोग 0.0 लगा सकते हैं। और फिर लास्ट में क्या हो गया, कैरोट, इसका प्राइस है 1 1/4, तो इसका मतलब हो गया 1.25, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके, कैरोट का 40 है, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 40 से जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 50 रुपीज़। तो कम्प्लीटली अगर हम इसको जोड़ते हैं कि पूरा सब्जी का जो है कीमत कितना हो गया वेजिटेबल का, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, ये हो गया 5, यहाँ पे 5×7 हो गया, और यहाँ पे 15 हो गया, 9×6=15, और 5×20, तो 20 का 0 हो गया, 2 बचा हुआ है, और ये 1 और कुछ भी नहीं, 1 2 3, इतना रुपया का कॉस्ट हो गया, वेजिटेबल कॉस्ट हो गया। तब वो पेड की 500 रुपीज़ नोट, 500 रुपीज़ का वो नोट देती है, तो उसको रिटर्न कितना होगा, तो 500 में से अगर ये माइनस कर देते हैं, 500 में से हम लोग माइनस कर देंगे इसको, तो हमको मिल जाएगा कि उसे कितना प्राप्त होगा, 307.5, इसको करेंगे हम लोग माइनस, ये 5 हो गया, और यहाँ से हम कैरी लिए हुए हैं तो यहाँ 9 हो गया, 9 में 7 2,
यहाँ भी 9 हो गया, तो 9 ये 9 हो गया, यहाँ 4 हो गया, 4 में 3 1, 192 रुपीज़ ये जो है उसको रिटर्न बैक मिलेगा, इतना रुपीज़ उसको वापस मिल जाएगा और यही आंसर भी हो जाएगा। सी गेट्स रिटर्न 192.5 रुपीज़, रुपीज़ का सिंबल ये है और ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट द सीक्वेंस गिवन बिलो। यहाँ जो कर्म अनुसार जो दिया हुआ है, सीक्वेंस मतलब कर्म अनुसार जो दिया हुआ है और इसको आगे बढ़ाने के लिए बोल रहा है, कहने का मतलब है कि ये अगर बढ़ रहा है तो बढ़ाना है और अगर घट रहा है तो घटाना है, तो इसमें दो ठो और आगे लिखना है। तो हम लोग इसको देखते हैं, इसमें क्या है 180-35। अब इसमें हम लोग क्या पता चल रहा है, इसमें लिखा हुआ है 180-35 और 180-70, मतलब 180 के बाद 35 और इसमें 70, इसका मतलब ये 35 बढ़ गया, फिर इसमें भी 35 बढ़ गया, तो 70 के बाद अगर 30 लेते हैं तो यहाँ पे 100 हो गया और फिर 5, तो 105 हो गया। अब यहाँ पे भी 35 बढ़ा देना है, अगर 35 बढ़ाते हैं तो 18 तो ही रह जाएगा और 18 रह गया और यहाँ पे 1 जो है, यहाँ पे 35 तो 5 है पहले से, तो 40 हो गया, तो 140 और 40 में से फिर 35 बढ़ा देते हैं, अगर 30 बढ़ाते हैं तो 70 हो गया और 5 फिर बढ़ा तो 75, तो 181-75 ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर बी में 38 पे 00 फिर 41 और फिर 44, तो 38 के बाद 41 हो गया, तो 39-40-41 मतलब 300 इसमें प्लस हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ 300 बढ़ा तो 4 हो गया, 1 के बाद 3 बढ़ा तो 4 हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पे फिर 3 बढ़ेगा, 4-3-7 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 4 और यहाँ 7 और 0-0, फिर यहाँ पे अगर 3 बढ़ता है तो क्या हो जाएगा 7, फिर यहाँ पे हम लोग 300 अगर बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा 500, मतलब 5000 हो जाएगा। आप इसको प्रॉब्लम अगर होता है तो आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, 300 अगर जोड़ना है इसमें तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख के इसको रफ पेज में लिखना है और इसमें 300 प्लस कर देते हैं, 0 हो गया, 0 हो गया, 7-3-10, 0 हो गया, 1 बच गया और ये 5, ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया। और इसमें जो है, इसमें क्या बढ़ रहा है और क्या घट रहा है इसको हमको, हम लोग को देखते हैं। 172 पे 00 है और 172 और यहाँ पे 183 पे 00, तो इसको हम लोग को जानने के लिए इसको रफ करते हैं, एक अलग पेज लेते हैं और इसको क्या करते हैं, एक बड़ा जो है किसी भी बड़ा से एक बार माइनस कर देते पता चल जाएगा। 172 00, इसको 00 आ गया और ये 1, ये भी 1 हो गया, ये कट गया, तो 1100 मतलब बढ़ रहा। अब इसमें 1100 हमको बढ़ाना है, क्या करेंगे, इसमें 1100 प्लस कर देते हैं, मेरे पास इतना है, 1100 प्लस कर दिए, 005 और ये और 10 हो जाएगा, 01 बच गया, तो 2 मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 20500, ये हो गया कंप्लीट। और इसके बाद इसमें एक बार और प्लस करेंगे 1100, तो इसमें 006 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, मतलब यहाँ पे 216 पे 00, ये हो गया कंप्लीट। इसको हम लोग इस साइड कर, क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग देखते हैं, इसको पहले पढ़ते हैं हम लोग। चूज टू नंबर्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स विच एड अप टू 2900। इस ये जो ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ पे ए नंबर का एक ग्रुप दिया हुआ है और यहाँ पे एक बी नंबर का ग्रुप दिया हुआ है। अब इस ग्रुप में से कोई दो नंबर चुनना है जिसको जोड़ने से इससे अधिक हो जाए, तो किसी को भी हम लोग चुन सकते हैं, ये इसको 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 अगर चुनते हैं तब भी हो जाएगा, इसको इसको चुनते हैं तो हो जाएगा, इसको इसको से नहीं होगा। तो हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, इसका 22 हो गया और 13 हो गया, अगर 10 लेते हैं तो 22 का 32 मतलब इससे भी अधिक हो जा रहा है, तो ये वाला और इसके साथ ये दोनों किसी को भी ले सकते हैं, तो मतलब हम लोग इसको ले सकते हैं, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया, और इसमें किसी को भी ले सकते हैं 18 और 11,
तो 28, 29 ये हो सकते नहीं हो, तो हम लोग बड़ा ले लेते हैं यहाँ से 36, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, किसी को भी ले सकते हैं, इसको इसको ले सकते हैं, इसको इसको, तो हम लोग इसको इसको लेते हैं। इसका आंसर नहीं दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे कई सारे आंसर हो जा रहा है, इसलिए नहीं दिया हुआ है। ये हो गया और ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया, इसको आंसर ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में आ चुके हैं और इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑन दिवाली रंजना पैक्ड 90 चॉकलेट्स इन ए बॉक्स। एक डिब्बे में रंजना 90 चॉकलेट को पैक करती है। सी हैज एन ऑर्डर, उसको एक ऑर्डर मिला, इतना पैकेट 1875 बॉक्सेस, इतना बॉक्स बनाना है। हाउ मेनी चॉकलेट्स डज सी नीड टू कम्प्लीट द ऑर्डर, तो इस ऑर्डर को कम्प्लीट करने के लिए, इस इतना सारा बॉक्स में चॉकलेट भरने के लिए कितने सारे चॉकलेट्स की आवश्यकता उसको है। तो इसका मतलब है ये हमको मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, तो इतने सारे बॉक्सेस हैं, ये हो गया 1875 और 90 चॉकलेट्स सभी में डाले जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ये हो गया 0, फिर 0 और 0 और 0, सभी में 0 आ जाएगा, 9 5 जा 45, ये हो गया 5 और 4 बच गया, इसको साइड में हम लिख के रखते हैं, इससे क्या होगा, गड़बड़ी नहीं होगा। और 9 7 जा 63 63 और 4 67, तो ये 7 हो गया, यहाँ पे आ गया 6। और 8 9 जा 72 72 और 6 78, ये हो गया 8 7 बच गया 7। 9 1 जा 9 9 और 7 16, ये हो गया, इसको करेंगे प्लस 0 5 7 8 6 1, मतलब है कि इतना चॉकलेट्स की आवश्यकता पड़ेगा उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए, चॉकलेट्स चॉकलेट्स, ये आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 में हम चलते हैं, तो इसको हम लोग दूसरे पेपर में लिए हुए हैं क्योंकि ये जगह यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 ये देख रहे हैं हम, यह है क्वेश्चन नंबर 17। अब इसको पढ़ेंगे पहले हम लोग, क्या बोल रहा है, ए स्कूल वांट्स टू प्लांट सम ट्रीज इन 53 रोज। एक स्कूल 53 रोज एक लाइन पंक्ति बना हुआ है, उसमें ट्री लगाना चाहता है। द गार्डनर बाउट इतना 15,019 सैपलिंग्स, इतने छोटे छोटे पौधे को खरीद लिया है, एक पौधे जहाँ बिकता है वहाँ से, उसको नर्सरी बोला जाता है। हाउ मेनी लिस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग्स शुड ही ब्रिंग मोर, अब उसे और कितने सैपलिंग्स, कितने पौधे की आवश्यकता है कि सभी प्रत्येक पंक्ति में 53 पंक्ति जो है सभी में सेम नंबर वो जो है प्लांट हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 53 से डिवाइड कर देते हैं, 15,019 ये हो जाएगा डिवाइड, तो कितने बार में जाएगा ये 53, इसको अगर हम लोग करते हैं तो दो बार में करते हैं तो 106 हो जाएगा, और यहाँ पे 150 दिया हुआ है तो 3 बार में हम लोग चेक करते हैं, इसका बड़ा डिवाइड जो होता है उसको चेक करके बनाया जाता है अंदाज लगा के, तो 53 ये हो गया, 3 बार में चेक कर लेते हैं, 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15, इतना हो रहा है, मतलब ये ज़्यादा हो रहा है, तो 2 बार में जाते हैं, 2 बार, 2 बार में 106, ये 53 है, जैसे 50 और 50 100 हो गया, और 3 3 6, इस तरह से ये हो गया, माइनस किए इसको, और यहाँ पे हो गया 10 6 4, यहाँ पे 4, ये खत्म हो गया, यहाँ पे 1, ये इतना हो गया 441, तो ये कितने बार में जाएगा, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 45 अधिक जा रहा है, 5 8 जा 8 बार में देखते हैं हम लोग, 3 8 8 3 जा 8 3 24, 4 2 8 40 हो गया, 42 ये हो गया, 24 मतलब इतना ही में जाएगा, 8 8 हो गया, 4 24 माइनस 11 4 7 4 11 होता है, 7 यहाँ पे 3 2 1, 3 में 2 1, और ये खत्म हो गया, यहाँ पे आ गया 9 और 179, तो 159 3 बार में आ रहा है, अगर इससे ज़्यादा हम लोग जाते हैं तो 3 4 12 हो गया 1 और 5 4 जा 20 121, ये 200 से अधिक जा रहा है, इसका मतलब है कि 3 बार में जाएगा, तो हम लोग 3 बार में जाते हैं, 159 ये हो गया 0 और ये हो गया 2, ये कंप्लीट रिमाइंडर 2 हो गया, इसका मतलब हमें और कितना चाहिए, और कितना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 20 माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा, ये हो गया 3 और 5 में से 2 3, मतलब इतना सैपलिंग्स की और आवश्यकता है, ये इतना सैपलिंग्स और चाहिए, ये आंसर हो जाएगा इसका, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
अब हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 18 में और इसमें लिखा हुआ है फिल इन द मिसिंग नंबर्स इन द फैक्टर ट्रीज गिवन बिलो। नीचे जो फैक्टर ट्री दिया हुआ है इसमें कुछ नंबर मिसिंग है, यहाँ क्या होगा, इसमें क्या होगा इस तरह का। तो ये 120 है और यहाँ 60 है, तो 60 मतलब ये हाफ हो गया, इसका मतलब हो गया 2। अगर 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, फिर ये भी आधा है तो इसका मतलब है ये हाफ है, इसका मतलब 2, यहाँ भी 2 हो जाएगा, और यहाँ 30 है और यहाँ 10 है, तो यहाँ पे क्या ऐसा चीज़ होगा जो इसको मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 3 है, 3 × 10 = 30, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ जो नंबर आएगा वो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा, तो 5 × 2 = 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ये कंप्लीट हो गया, ये ट्री कंप्लीट हो गया। और दूसरा यहाँ पे 78 दिया हुआ है और 2 से इसको जो है इसको हाफ़ करना है, 2 का मतलब हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, यहाँ पे 7 है तो 2 × 3 = 6 हो गया और यहाँ पे 1 बच गया तो 18 हो गया, तो 18 तो 2 × 9 = 18, इसका आधा ये हो जाएगा और ये 3 से इसको डिवाइड हो गया तो ये 13 × 3 = 39, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देख रहे हैं आप लोग, 19 यहाँ पे है और 19 में क्या कह रहा है, 10 पेंस कॉस्ट 154, मतलब 10 कलम का कीमत 154 रुपीज़ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। इसका मतलब है कि इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 10 से इसको डिवाइड कर देते हैं, एक पेन का कीमत आ जाएगा, ये हो गया 10 × 1 = 10 और यहाँ पे 5, ये ख़त्म हो गया 4, 10 × 5 = 50, ये 4 बच गया, ये ख़त्म हो गया। अब हम लोग इसको पॉइंट दे देते हैं और यहाँ 0, तो 10 × 4 = 40 हो गया, ये ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब है कि एक कलम का कीमत कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू 115.4, मतलब इतना, ये 40 हो जाएगा, वही 4 लिखो, 4 लिखें या 40 लिखें सेम होता है, इतना रुपीज़ हो जाएगा, ये आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी शुरुआत में हम लोगों को सारा इजी क्वेश्चन ही मिलेगा, जब आगे बढ़ेंगे तब हम लोगों को थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन मिलेगा। 20 नंबर में क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब भरना है, तो ये हो गया फ्रैक्शन एड। तो फ्रैक्शन एड जब नीचे में, जब डिनोमिनेटर जब सेम रहता है इसको बनाना बहुत आसान होता है, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, नीचे जो है वही रखना है और ऊपर वाला जोड़ देना, 13 और 2 = 14, 15 हो गया, ये 15 हो गया और नीचे जो है वही रहेगा 23, ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो है, इसमें एड था इसलिए एड कर दिए, और इसमें माइनस है तो माइनस कर देंगे, सेम टू सेम नीचे जो है वही रहेगा, और 25 में 12 चला गया, अगर 25 में 10 चला गया तो 15 और 2 चला गया तो 13, इसका मतलब हो गया ये 13/27, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है 2/5 ऑफ 1 kg, और ये ग्राम में निकालने के लिए बोल रहा है इसका आंसर, तो 1 kg का मतलब होता है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो इसका 2/5 1000 का 2/5 निकालते हैं, तो इसके इसको जो है ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये 5 कर दिए और यहाँ पे 1000, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, ये 10 ख़त्म हो गया, उस पर 2 0, इस पर 2 0 आ गया, 200 × 400, इसका मतलब हो गया ये 400 ग्राम, ये आंसर हो गया, ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अगर हमारी वीडियो से आप लोगों को थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे का क्वेश्चन हम लोग बनाने के लिए अगली वीडियो में चलेंगे, तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।